आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व सातवें वैदिक महायज्ञ के रूप में इतने बड़े सह योगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा।